हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स और स्पेशली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको पता है कि वो पेमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और उनको यही लगता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने जो प्रॉमिस किया था, मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है और अभी कोई अपडेट नहीं आई है और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था उसके बारे में भी कोई कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं आई है। तो गाइज, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक खास मेंबर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से बहुत ही करीब हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं और डॉक्टर नोएरा शेख से भी उनकी मुलाकात थी, तो वो सारी डिटेल आज आपको बताएंगे कि क्या है, क्या प्रोसेस है और क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से किसी अपडेट के ना आ पाने की वजह से लोग ख़ास तौर से जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ बने हुए हैं, उसके साथ सब्र किए हुए हैं, वो लोग थोड़ा बेचैनी और बेइत्मीनानी का सबूत देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा उनके फ़ोन कॉल्स जो कि बड़ी तादाद में आजकल रिसीव हो रहे हैं लगता है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों की गैर इत्मीनानी को इत्मीनान में बदल दूँ। जैसा कि शुरू ही से हमने कोशिश ये की है कि किसी को भी ज़र्रा बराबर घबराने की, बेइत्मीनान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने आप तमाम लोगों की अमानतों को ही बचाने के लिए इतनी मशक्क़तें, इतनी दुश्वारियां और इतनी तकलीफ़ें और अजियतें बर्दाश्त की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही। हीरा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अजियतें बर्दाश्त की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की जायज़ अमानतों को बचाने के लिए ही किया है। लिहाजा आप लोगों को गैर इत्मीनान होने की, बेइत्मीनान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कई एक सवाल कॉमन से आ रहे हैं जिनको मैं दोहराते हुए आप लोगों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल का जवाब ये है, लोग ये पूछते हुए ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उसकी कोई अपडेट तफसीली तौर पर हमारे सामने नहीं आ सकी। आपा आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कुछ नहीं बोला, ऐसा लोग बोलते हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस 31 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो हियरिंग हुई थी, वो उन लोगों के जो सब्र किए हुए हैं, जो कंटिन्यू किए हुए हैं कंपनी में और कंपनी के साथ बने हुए हैं, उन लोगों के ताल्लुक से नहीं था। क्योंकि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ बने रहने, सब्र करने वाले और उनके साथ हर आजमाइश में खड़े उतरने वालों के लिए पिछले सुप्रीम कोर्ट के अपडेट में, पिछली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सारी की सारी बातें जो है क्लियर हो गई थी। उसी वक्त आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने एक तफसीली वीडियो क्रिएट करते हुए ये बता दिया था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट कचहरी के मामलात बहुत आगे दूसरे मरहले में पहुंच चुके हैं। लिहाजा वहां पर आपा आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने इस बात का आप लोगों को ऐलान करते हुए बता दिया था कि लोगों के प्रॉफिट अप्रैल, मार्च और अप्रैल में इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट डालने के बाद आप लोगों के देने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और अदालतों की तरफ से भी इस बात की पूरी तरह से इजाज़त मिल गई है। लिहाजा आप लोगों की अदालती कार्रवाई जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में बने हुए हैं, सब्र किए हुए हैं या उसमें विथड्रॉल के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए पिछले सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में आप लोगों का मामला इख्तिताम पजीर हो गया था। अब कोर्ट और कचहरी का मामला सुनवाई के दूसरे मरहले में पहुंच चुका है, यानी कि उन लोगों के ताल्लुक से अब जांच पड़ताल, अब बातचीत और तमाम तरह से समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो उन लोगों के ताल्लुक से अब शुरू हो गई। 31 जनवरी को पहली वो थी जिसमें कि उन लोगों के ताल्लुक से बातचीत की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले मरहले में उन लोगों के जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में जुड़े हुए थे, उनके लिए मामला मुकम्मल हो गया। अब दूसरे मरहले में जो डिपार्टमेंट का रुख अख्तियार किए हुए हैं, उन लोगों की
सुनवाई और उन लोगों के पैसों की अमानतें देने की और उन लोगों के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी में असर हो सके, उन लोगों की अब सुनवाई हो चुकी है। लिहाजा सब्र करने वाले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बने रहने वाले अब किसी भी तरह के बेइत्मीनानी में ना रहें कि उनके लिए कोई नई अपडेट आएगी। आप लोगों के लिए अपडेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुनवाई दूसरे मरहले में पहुँच चुकी है। आप लोग जानते हैं कि सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने यह ऐलान कर दिया था बड़े बावसोक अंदाज में कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अमानतें मार्च अप्रैल से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद देनी शुरू हो जाएगी। अभी भी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उसी तैयारी में और उसी वादे पर पूरी तरह से बदस्तूर कायम हैं कि आप लोगों की इंशाल्लाह ताला मार्च और अप्रैल के दरमियान में ही आप लोगों की अमानतें देने की शुरुआत कर दी जाएगी। और एक करीबी ज़राए से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक, एक बड़ी कोशिश ये चल रही है कि लोगों को रमज़ान से कबल उनको राहत पहुंचाने तक की कुछ अमानतें पहुंचा दी जाए और उनको सरप्राइज़ दे दिया जाए ताकि लोग अपनी इबादतों में, अपने रमज़ान के मामलात में, अपने तमाम तरह की मसरूफियात में आसानी मैसर पा सकें। लिहाजा इस तरह से मैंने बता दिया कि अब किसी नए अपडेट की ज़रूरत सब्र करने वालों के लिए नहीं है। अब डिपार्टमेंट में जाने वालों के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि इस बार जो SFIO ने रिपोर्ट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सीधे तरीके से ये बताया था। अच्छा, ये चीज़ भी है कि अब डेटा का मसला सब्र करने वालों के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ बने रहने वालों के लिए कोई मसला नहीं है। अब वो मसला हो गया है डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट में जाने वाले लोगों का, जैसा कि रिपोर्ट दाखिल की थी SFIO ने और उसमें ये बताया था कि हम लोगों को इतने डेटा मिल चुके हैं और इतने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। लिहाजा अब कंपनी का मसला नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह साफ तौर पर SFIO को बता दिया था कि अब आप लोग SFL से और जहां से भी आपको डेटा हासिल करना है उन लोगों से हासिल कर लीजिए। लिहाजा उन लोगों ने कुछ डेटा हासिल किया है, वो अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मसला नहीं रह गया है, वो उन लोगों के लिए है जो डिपार्टमेंट में गए हैं उन्हीं लोगों की जाँच पड़ताल के लिए, वो डेटा का मसला रह गया। रही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ बने रहने वाले लोगों के डेटा का मसला, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने इन दो सालों में, एक सालों में इतना डेटा मेहनत करके क्रिएट कर लिया है आप लोगों की मदद से, जो आप लोगों ने अपने अपने फॉर्म जमा किए हैं उन लोगों की मदद से और बहुत सारे दूसरे ज़राए से, जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट हुआ, जैसे कि दीगर तमाम तरह की चीज़ें जो आपने प्रोवाइड की है उन सब चीज़ों से कलेक्ट कर लिया। इस दरमियान में बैरून ममालिक से भी एक बार बार फ़ोन आ रहा है कि हम लोगों के ताल्लुक़ से है। उस ताल्लुक़ से जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों से पूछा गया, करीबी ज़राए का कहना यह है बैरून ममालिक में रहने वालों का कि देखिए हिंदुस्तान का मामला जो है वो असल मामला उलझने वाला था, अब जो कि अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ का मसला जैसे ही थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, वैसे पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अमानतें देने के मामले में थोड़ा भी कंट्रोल में आ जाएगा तो बैरून ममालिक के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इतने हैं कि जितना कि दाल में नमक, आटे में नमक के बराबर के हैं। वो पलक झपकते में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़राए का कहना ये है कि उनको पलक झपकते के दरमियान भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई मसला ही नहीं, उनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला ही नहीं है। तो इस तरह से बैरून ममालिक में रहने वालों के लिए भी किसी भी तरह से बेइत्मीनानी का कोई ज़रिया नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई सबब ही नहीं बनता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ समझिए कि आगे बढ़ रहा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हीरा डिजिटल गोल्ड, जिसमें कि लाखों लोगों की तादाद में अभी तक एप्लीकेशन लोगों ने दाखिल कर दिया है, डाउनलोड कर लिया है, अब कंपनी एक अगले मरहले में पहुँच चुकी है। तरक्की के मनाजिल तय करना फिर से शुरू कर चुकी है। लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वो जो पुराने हैं वो लोग तो आ ही रहे हैं, एक छोटी तादाद में ही आ रहे हैं जो पुराने हैं, लेकिन नई तादाद जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की साबित कदमी देखी है, उसका फाइट देखा है, उसकी ईमानदारी और उसकी जोहदे मुसलसल देखी है, बहुत सारे नए ऐसे लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नए बिज़नेस हीरा डिजिटल गोल्ड में शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी तादाद लाखों की तादाद में है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी खबर है। तमाम अच्छी खबरें मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहा हूँ, अच्छी खबर होनी भी चाहिए क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हक पर, सच पर और साबित कदमी पर हमेशा रही है। पूरा आल इंडिया जितना भी मामला चला है, आप ये समझ लीजिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से कोई ज़र्रा बराबर का भी मुखालिफ में सबूत नहीं मिला है। लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए नए सरमायाकार आगे बढ़ रहे हैं, नए नए लोग इनसे जुड़ रहे हैं, तमाम चीज़ों से जुड़ रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं वो एक एक प्रॉपर्टीज़ के एक एक टुकड़े पर, एक एक प्लॉट पर 10-10 एप्लीकेशन मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक भरोसे का ही मेयार और मकदार है। अब एक चीज़ ये भी बताऊं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अब अपने डिफेंसिव मामला से निकल करके अब अटैकिंग मामलात पर आ चुकी है। अब दिफाई निज़ाम ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब दिफा करना, रोकना, लोगों को जवाब देना, अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का वो वक्त बहुत पहले ही ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ अब मुकम्मल हो चुका है। अब अटैकिंग पावर में, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इकदामात के मूड में आ चुकी है, इकदामात की हालत में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तरह से आप लोगों ने देखा कि जितनी भी ज़मीनों जायदादों पर लोगों के ब्लैक मेलरों के, लैंड ग्राइबरों के और तमाम तरह से बदनज़री रखने वालों के जो नज़रियात थे, उन लोगों को मुकम्मल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अदालती कार्रवाइयों से उन लोगों का सफाया कर दिया है और उसी सफाया के सबब एक एक प्लॉट पर 10-10 एप्लीकेशंस ख़रीदारी के अल्हम्दुलिल्लाह तलब हो रहे हैं। कोई भी हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, जैसे कि मैंने कहा कि अटैकिंग पावर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आ चुकी है, इकदामात के मरहले में आ चुकी है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर किसी के ऊपर उन्होंने जुल्म किया है तो अपने हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है कि वो उस पर भी कार्रवाई करेगा। लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बहुत पहले कह दिया था कि जिस जिस ने हमारे ऊपर जुल्म किया है हर एक को हिसाब देना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार ने जो है उन्होंने गलत और दुर्व्यवहार वाले, बदतहजीबी वाले अल्फाज उन्होंने दोहराए थे, उन्होंने बोले थे, जो कि उनका राइट नहीं बनता था। उनका राइट सिर्फ और सिर्फ वो इकदामात बनते हैं जो कि उनके सामने सच्चे सबूतों के आधार पर होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को क्या समझते हुए, अपने आप को अदालत समझते हुए, सदर जमहूरिया समझते हुए, यानी कि किसी को भी यहाँ का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी पर अदालत के आने से पहला फैसला सुनाए। अंजनी कुमार जी ने ये अल्फाज दोहराए थे, कुछ अल्फाज अभद्र, गैर महज़ब अंदाज के अल्फाज दोहराए थे जो कि उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता। उस चीज़ पर भी आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने इकदाम कर दिए हैं और उनके ऊपर भी नोटिस अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी है और उनको आना पड़ेगा, कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आज भी यूट्यूब पर गर्दिश कर रही है, रवा दवा है, तो उनको इन चीज़ों का जवाब देना होगा। तमाम हुकूमती ताकतों से भी इस चीज़ की अपील की गई है कि ये हक अंजनी कुमार आईपीएस को कौन देता है कि वो किसी को अदालती कार्रवाई से पहले आकर के फैसले सुना दें।